अपने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए एक पीड़ित मां ने बुधवार को एसएसपी कार्यालय के समक्ष आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण उसे हिरासत में लेकर महिला थाने भेज दिया गया। मामला महाराजगंज जनपद के थाना ब्रिजबनगंज निवासी लालमती देवी ने अपने बेटे की हत्या का आरोप गाँव के ही एक व्यक्ति पर लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई, जबकि पुलिस वाले मात्र दुर्घटना मान रहे हैं। मृतक के माता के अनुसार उनका पुत्र की लाश कैंपियरगंज क्षेत्र के ग्राम अहरौली में एक पोखरे में मिली थी और उसके सिर पर चोट के निशान थे, लेकिन कैंपियरगंज पुलिस दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करके पल्ला झाड़ लिया। इसी मामले को लेकर मृतक की माता ने आज एसएसपी कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसको लेकर मुस्तैद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके इरादे पर पानी फेरते हुए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। बस बना लिया क्या हुआ बताइए। पहली तारीख पहली महीने 2018 में मर्डर हुई थी, कोई कार्रवाई ना हो जाए थे, हत्या कर रही थी मेरी मम्मी। हत्या अभी क्या करने आज अभी आत्मदाह 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 अभी यहाँ पे क्या करने आज है आत्मदाह किस लिए हत्या हुई थी उसका कार्रवाई ना है कोई गाड़ी लेके बढ़ाओ अभी कहाँ ले जा रहे देखिए तुम उसके कौन ही हो भाई है अच्छा आप भाई संतुष्टिक मिले चाहे हमें कि मरले व कैसे मरल बाटे ओके हमें जानकारी चाहे बा2018 13:13 पे कोई फोन किया बाहर निकल गया अन्नू नाम का लड़का एक नाम है गया बाहर अम्मा ने कहे कहाँ जा रही हो तब बेचन गुप्ता ने कहे जीजे चल रहा है अभी जाएंगे अम्मा ने चली आए घर वो बाहर चला गए 1 बजे बेचन गुप्ता बोल रहे हैं हीरो कम्मा अम्मा ने बाहर गए कह रहे हैं हीरो कहाँ है तम्मा कह रहे हैं सोए हैं कहीं गए होंगे कह रहे हैं बेचन गुप्ता जाइए अहरौली पोखरे पे एक्सपायर हो गए हैं तुरंत हमन के जना के हमन के निकलवे नहीं करे और उन घर में शटर गिरा के तुरंत घर में घुस गए हैं वो घर के बगल थे उनको बताना चाहिए गांव में हल्ला करना चाहिए कि एक्सपायर हो गया उनका लड़का जाना चाहिए साथ ही न गए न किसी को बताए आज आप आत्मदाह आत्मदाह करने क्यों आए थे ये बताइए आत्मदाह हमें यार का बोला इंसाफ नहीं नहीं मिल रहा है किससे इंसाफ नहीं मिल रहा है साहब लोगों से ये तो बेचन से कोई दुश्मनी आपकी बेचन से दुश्मनी नहीं है दुश्मनी रहा हुई तो वो नहीं दुश्मनी रहा हुई तो वो तो है नहीं अब राम कुमार से दुश्मनी वो है नहीं अब हम लोग से दुश्मनी नहीं था 2 जनवरी को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें जो ये महिला है उनके बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी उसके बाद इसमें जो वादी पक्ष की तरफ से 302 का मुकदमा एक लड़के के खिलाफ कराया गया था पुलिस के द्वारा इसमें विवेचना की गई तो पुलिस के द्वारा जितने भी साक्ष्य और एविडेंस पाए गए वो दुर्घटना के पाए गए जिसमें मौके पर स्किडिंग के मार्क्स और कानों पर हेडफोन लगाना और इस तरह की चीज़ें जो पाई गई उसमें पूर्णतः इसमें ये बात पाई गई कि ये दुर्घटना में इनके लड़के की मृत्यु हुई थी लेकिन जो मृतक की जो माँ है उसका बार बार आरोप है कि ये 302 का मुकदमा है और इसमें
उनके पुत्र की हत्या की गई है, तो उस बात से वो असंतुष्ट होकर हो सकता है इसमें आत्महत्या का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन पुलिस के द्वारा इसमें जितने भी साक्ष्य हैं वो सही तरीके से बताए गए और साथ ही साथ इसमें जो मृतका की माँ के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया वो बहुत ही तत्परता के साथ पुलिस के द्वारा उनको इस बात से बचाया गया और उनसे अभी पूछताछ जारी है कि कौन किस किन वजहों से वो इस तरह की आत्महत्या के लिए प्रेरित की गई है। जी पीएम रिपोर्ट में भी दुर्घटना की जो चोटों के प्रकार हैं वो दुर्घटना की ओर ही इशारा करता है। हाँ, उन्होंने नामजद इसमें जो मृतक है उसके दोस्त को ही नामजद कराया, लेकिन इसमें जो पुलिस की जो वेचना है, वेचना में जो तथ्य है वो इसमें दुर्घटना की ओर इशारा करता है।